नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी के हिंदी विषय में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे हम जानते हैं कि हमेशा हम अपने पाठ की शुरुआत सुविचार से करते हैं, तो आज का सुविचार है शिक्षा विकास की जननी। वास्तव में देखा जाए तो ये वाक्य अपने आप में एक सार्थक वाक्य है कि शिक्षा जो है वो किसी भी चीज के विकास की जननी है। प्यारे बच्चों, आज हम जो भी अपने आसपास के परिसर में हम जो व्यक्तियों को देखते जो सफल हो गए, ठीक है, जो किसी न किसी बड़े पद पर है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, चाहे वो शिक्षक हो, ठीक है, वो सब शिक्षा के बलबूते पे ही वहाँ तक पहुँचे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है? विकास की जननी है। तो इसी सुविचार के साथ हम आज आप अपने जो पाठ की है पाठ की शुरुआत करते हैं। और पाठ का नाम है जायकवाड़ी पाठ, ठीक है। तो इस पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ चार्ट के अंदर, ठीक है, आपको एक बांध दिखाया गया है जिसमें दीवार बनाई गई है, पानी को रोका गया है। और जरूरत पड़ने पे देख सकते हो आप दीवार को खोल करके, ठीक है, शायद इसके दरवाजे होंगे, ये दरवाजे कुल मिलाकर के इसमें 27 दिखाया गया है, जो जरूरत पड़ने पे रोके गए पानी को, ठीक है, पूर्ति करवाने के लिए इसे खोल दी जाती है। उसी प्रकार से आप नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ और भी चित्र दिखाए गए हैं जिसमें बिजली दिखाया गया है, जो बिजली क्या हो रही है, बिजली की आपूर्ति हो रही है। कहीं पे आप देख सकते हो पानी जो है, पानी की टंकी है, इसकी भी आपूर्ति की जा रही है। तो कहीं पे पानी का क्या किया जा रहा है, उपयोग करके कपड़े धोए जा रहे हैं। तो अर्थात पानी हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में बहुत जगह उपयोग होता है। तो इस उपयोग को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, हमारे जो देश की सरकारें हैं, ठीक है, वो पानी को क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं। और जब उसे जरूरत पड़ती है तब उसे क्या किया जाता है, विभिन्न जलाशयों में छोड़ा जाता है जरूरत के अनुसार, और उसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कृषि में, बिजली के निर्माण में, ठीक है, पीने में, खेती के लिए, ठीक है, और अभी बहुत सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कारखानों के अंदर भी। तो चलो हम लोग पहले अपने पाठ का एक आदर्श वाचन कर लेते हैं। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे, उस सैर का हमने आनंद उठाया। तो कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है, मनीष तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। तो मनीष पढ़ने लगा, हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की, हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही, खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है, वहां जाने के लिए रेलमार्ग नहीं है, हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा, यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है, इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है और इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है, यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फवारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। पैठण की साड़ियां देश भर में पैठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके लिए इस पाठ का आदर्श वाचन किया, ठीक है, कैसे आपको इस पाठ को पढ़ना है। अब चलिए हम इस पाठ को समझते हैं, आखिर ये पाठ है क्या, इसमें क्या जानकारी दी गई है। देखो, उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे, मतलब घूमने गए थे,
टीचर ने कहा क्लास के अंदर जो सबसे अंतिम पीरियड था उस सर का हमने आनंद उठाया था, मतलब हमने बहुत वहाँ मजा किया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे, तो आप में से कुछ लोग ने निबंध भी लिखे थे सुंदर सुंदर, लेकिन जो सबसे अच्छा निबंध था वो किसका है? मनीष का है। तो शिक्षक ने क्या कहा, मनीष तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। देखो मनीष कैसे पढ़ने लगा। हम जायकवाड़ी बांध की सैर की, तो बताओ प्यारे बच्चों किस बांध की ये सैर करने गए थे सारे बच्चे? जायकवाड़ी बांध। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। कितने विद्यार्थी गए थे? 55। और कहां से कहां गए थे सारे विद्यार्थी? नांदेड़ से औरंगाबाद। किस माध्यम से सारे बच्चे गए थे? रेल के द्वारा। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही, मतलब बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हो कि प्रसन्नता प्रदान करने वाला रहा। जैसे आप भी कभी गांव जाते हो तो देखते हो ना, बाहर जब आपको अलग अलग दृश्य दिखाई देता है, कहीं पहाड़, कहीं छोटे गांव, कहीं नदी, तो कितना मनमोहक लगता है। उसी प्रकार से रेल की जो यात्रा थी इन सारे बच्चों के लिए बड़ा आनंददायी रहा। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। सुहावने दृश्य का मतलब कि हम उसे, मतलब ऐसे दृश्य जो हमारे मन को क्या कर ले रहे थे, मोह ले रहे थे, तो ऐसे दृश्य को देख करके हम सब क्या हो रहे थे कि हमारे मन को वो मोह ले रहा था। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया। अब पैठण आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र का एक जिला है, तो इस बांध का निर्माण पैठण में ही किया गया है। और वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है, मतलब पैठण में जाने के लिए कोई रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। प्यारे बच्चों हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए, तो मनीष ने क्या जानकारी दिया, हम नांदेड़ से औरंगाबाद रेल से गए और बाद में औरंगाबाद से पैठण कैसे गए, हम बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा, भव्य मतलब जो कि बहुत ही बड़ा विशाल है, बहुत ही आप कह सकते हो कि शानदार है, ऐसे बांध को हमने देखा। और यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। सबसे बड़ी जल परियोजना मतलब कि ये जो आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र की जो जनता है उसे पानी की आपूर्ति करने के लिए, मतलब महाराष्ट्र के कुछ जो जिले हैं जो इस क्षेत्र के आसपास आते हैं जायकवाड़ी, उनके लिए सबसे बड़ी परियोजना है, क्योंकि उनके पानी की जो सुविधा है और व्यवस्था है इसी परियोजना द्वारा पूर्ण होती है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गोदावरी नदी। मिट्टी से बनाया एक मजबूत बांध है। अब ये बांध तो बहुत मजबूत है, लेकिन किससे बनाया गया है? मिट्टी से। इसमें 27 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं प्यारे बच्चों? 27। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? नाथ सागर। तो जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब ये जो जायकवाड़ी बांध है इससे ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है, और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उन जिलों में इस बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस बांध के कारण देखो मराठवाड़ा, ये भी एक महाराष्ट्र का जिला है, ठीक है, महाराष्ट्र का आप कह सकते हो कि एक भाग है ये भी। जैसे महाराष्ट्र को जो भागों में बांटा गया है, तो विदर्भ, कोकण, मुंबई, मतलब उत्तर मुंबई, मराठवाड़ा, ठीक है, ये चार भागों में मुंबई को बांटा गया है। तो इसमें से एक जिले, मतलब जो है एक भाग जो है मराठवाड़ा, इस मराठवाड़े में भी कई जिलों का समावेश है। तो इन जिलों को खेती के लिए जल, मतलब खेती के लिए जो पानी की आपूर्ति होती है वह, पेयजल पीने की जो पानी होती है, और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। ये सब किसके वजह से प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों? जायकवाड़ी बांध की परियोजना से ही ये सारी सुविधाएं आसपास के जिलों में प्राप्त है। अब देखो ये तो सब बात थी प्यारे बच्चों जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है। अब उस जायकवाड़ी परियोजना के जो जलाशय है उसी के समीप एक उद्यान भी है। देखो जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है, उद्यान अर्थात बगीचा है, और यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। आप वृंदावन में जाओगे, मतलब मैसूर के वृंदावन उद्यान, अब मैसूर में आप जाओगे तो वहां जो वृंदावन उद्यान है वो जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल उसी के समान है। कौन? ज्ञानेश्वर उद्यान, जो कहाँ पे है? उस जायकवाड़ी जलाशय के बहुत ही समीप है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फवारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। अगर आप यहाँ पे शाम को जाओगे संध्या के समय, तो यहाँ पे ध्वनि और प्रकाश के साथ बहुत सारे फवारे आपको दिखाई देंगे, जो पानी के फवारे हैं, जो मन को क्या कह लेते हैं? मोह लेते हैं, आकर्षक है बहुत। यहाँ से कुछ दूरी पर जाओगे
तो जाने पर अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और आप अगर नहीं पढ़े होगे तो आगे की कक्षाओं में आपको जानकारी दी जाएगी। दौलताबाद का किला है, जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। दर्शनीय स्थान मतलब जो देखने लायक है, ये सारी चीजें क्या है, आप देखने लायक स्थान है जिसको आप जाके घूम सकते हो। ये सारी चीजों की आप कह सकते हो वहां पे उस स्थान उपलब्ध है जो दर्शनीय है। पैठड़ की साड़ियां देश भर में पैठड़ी नाम से प्रसिद्ध है। और प्यारे बच्चों, जो ये पैठड़ है, यहाँ पे जो जिला है वहां पे जो साड़ियां बनाई जाती है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और किस नाम से प्रसिद्ध है? पैठड़ी। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। तो मनीष ने अपनी सारी बातों की जानकारी देते हुए अंत में उसने क्या कहा कि इतने सारे चीजों की जानकारी तथा वहां पे घूमने के बाद, वहां के मनमोहक दृश्य को देखने के बाद, हम लोग क्या हुए, रात की गाड़ी से सुबह नांदेड़ वापस आ गए। और निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस निबंध के साथ साथ हमें जायकवाड़ी बांध की जो परियोजना है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से अगर आप भी कहीं सैर पे जाओगे तो आप भी वहां के इस प्रकार के सभी दृश्यों को देख करके आप अपना व्यक्तिगत निबंध भी लिख सकते हो, और लिखने के बाद अपने शिक्षकों को जरूर दिखाना। यदि आप कहीं पिकनिक में गए हो, कहीं सैर करने गए हो ऐसी जगह पे, और आपको इसका अनुभव है, तो आप जरूर निबंध लिख करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए आने वाले समय में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आने वाले समय में, अर्थात अपने ग्रुप में। तो हम वो लोग वापस चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने देखा है जायकवाड़ी बात, तो इस पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी आए। चलो हम उन शब्दों को देख लेते हैं, अर्थात उनके शब्दार्थ। सैर, देखो इस पाठ में सैर आया था, इसका मतलब होता है घूमना। कहीं पे जब हम घूमने जाते हैं तो हम उसे कहते हैं हम सैर करने गए थे। आनंद, आनंद का मतलब होता है खुशी। निर्माण, निर्माण का अर्थात बनाना होता है। भव्य, भव्य का मतलब होता है शानदार, जैसे वो मंदिर बड़ा भव्य है, बड़ा शानदार है। विपुल, विपुल का मतलब होता है पर्याप्त। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश, जैसे आप बड़े प्रसन्न लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अध्यापक, अध्यापक हम किसे कहते हैं, शिक्षक। उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा। पेयजल, देखो पाठ्य पुस्तक में शब्द आया पेयजल, पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी। विद्यार्थी, विद्यार्थी में दोनों आ जाते हैं प्यारे बच्चों, छात्र भी और छात्रा भी। आकर्षक, आकर्षक मतलब मनमोहक। और जलाशय शब्द आया था, इसका अर्थ होता है जल का भरा भंडार। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब होता है विख्यात। ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। और विशाल, विशाल का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे दादाजी का हृदय बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने इतनी ही जानकारी प्राप्त की, और इस पाठ को हमने अच्छे से पढ़ा भी, और पढ़ के इसके कठिन शब्दों को हम समझे भी। हम अब अगले भाग में मिलेंगे जब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, अलविदा।